देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कलाकार हैं। हम लोग जब एक्टिंग करते हैं, आप लोग तारीफ बहुत करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि एक्टिंग करना बहुत आसान काम है और कोई भी एक्टिंग कर सकता है। और ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता अग्री, है, सही बात कह रही है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो फालतू है उसको एक्टिंग लाइन में चला और जाना एक चीज और चाहिए, मुझे लगता है कि राइट? एक्टिंग में तो हलवा हाँ, तो है। ये बात सरासर गलत है। मैं सबसे कहना चाहूँगी, हम लोग बहुत सुबह उठते हैं क्योंकि हमें 7:30 से 8 बजे के करीब सेट पे पहुँचना होता है। तो आप कितने बजे उठते हैं? बस आज 8 बजे का कॉल टाइम था तो तकरीबन 6:25 6:30 बजे उठाऊँ। देखिए, पर लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत आराम से उठते हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। हम लोग के लिए ये तपस्या है सुबह उठना, आके 12-13 घंटे यहाँ काम करना, फिर ट्रैफिक में 2 घंटे तक घर तक जाओगे। उसके यस बाद ना आपका खाना खाने का दिल रहता है, ना कुछ एंजॉय करने का दिल रहता है। बस आपको बिस्तर दिख रहा होता है कि बिस्तर मिले और हम सो जाएं। तो ये हमारी हालत होती है। और जो भी बंदा यहाँ आया है, कोई भी फालतू बंदा नहीं है, हर कोई बहुत टैलेंटेड है। अभी आपने इनका एक टैलेंट देखा, ये गाना इतना अच्छा गा रहे हैं। आपको मैं इनका दूसरा जो इनकी क्वालिटी है वो बताती हूँ। ये दारा सिंह जी की आवाज़ बहुत अच्छा निकालते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे फैंस को भी बताइए। भाई मुझे तो लगता है कि अम्मारी सारा टैलेंट आज ही निकलवा लेंगी। भाई अम्मारी सांस भी नहीं ले रही है, मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक बातें कही जा रही है। भाई अब कह रही है दारा सिंह की आवाज निकाल लो, फिर पता ही नहीं बोल रही कि भाई किसकी आवाज निकाल लो। खैर कोई बात नहीं जी, हमारे जो दारा सिंह जी थे भाई वो बड़े कमाल के आदमी थे, बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते थे। भाई आपने कई फिल्मों में देखा होगा उन्हें। एक बार एक फिल्म थी जी, मर्द फिल्म, मर्द नहीं जी पंजाबी मर्द बोलते हैं। तो जी वो दारा सिंह जी कारागार में होते हैं, जैसे पानी का एक जैसे ठेला सा चला रहे होते हैं। तो अंग्रेज से बोलते हैं भाई बहुत प्यास लग रही है, पानी तो पिला दो। तो अंग्रेज भाई जूते में पानी लेके आया था, तो दारा सिंह जी को गुस्सा आ जाता है और अंग्रेज जूते को ऐसे हाथ मारते हैं और गुस्से में बोलते हैं फराम जा दो, जूतों में पानी पिलाते हो। तो बहुत ये अच्छे सब है। काफ़ी काफ़ी सारी जो है इनके अंदर टैलेंट भरी हुई है। और मैं आज जितना हो सकता है कोशिश करूं कि वो सारा कुछ आपके सामने आए, ताकि आपको पता चले कि मलखान जो है सिर्फ मलखान नहीं है, उसके अंदर कम से कम 8-10 लोग और भी अम्मा हैं। जी क्या कर रही, अम्मा जी ऐसे करे भूत प्रेत बना रही, इतनी सारी आत्मा अंदर घुस रही। नहीं वो बस ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते, बाकी इनके काइंड वर्ड्स के तारीफ कर दिए, बाकी थोड़ा बहुत काम कर लेते अच्छा बस। चलो ये बताओ कि मेरा और तुम्हारा कैसा तालमेल है, मेरे साथ आप क्या फील करते हो? मेरे साथ इनका अच्छा तालमेल है, जैसे हमारा मेघा मैडम से एक बात शुरू हुई थी, जैसे ये भी साथ में एंट्री कर रही है सेट में और मैं भी साथ में एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं इनसे एक डायलॉग बोलता हूँ, क्या बजे आई, जबकि आई मेरे साथ ही है। तो ये कुछ कुछ फनी चीजें हैं। तो अम्मा भी मुझे एक बार ऐसे देखती है और फिर बोलने के बाद साथ में तो आई हूँ। लेकिन वो कुछ चीजें हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी फन होता है जिनका कुछ कहा नहीं आता। ये जब भी मुझे पहली बार देखता है, हर दिन चाहे वो शाम को देखे या रात को 8 बजे देखे या दोपहर को देखे, बस ये सवाल जरूर करेगा कि कै कुछ बजे सवाल ऐसे होते हैं जैसे कोई बंदा सो रहा लेटा हुआ है, तो कुछ बेफालतू के सवाल होते हैं, अननेसेसरी सवाल, जैसे ये वाला था क्या बजे आई, आदमी लेटा हुआ है फिर भी आदमी पूछेगा उससे, जैसे हमारे हरियाणा में कोई लेटा हुआ है तो ऐसे ही पूछेगा। मैं क्या दिल्ली से हूँ लेकिन हरियाणा में हमारे भाई हुआ ऐसे पूछते हैं कोई लेटा हुआ है, अरे सो गया कि, तो भाई सो रहा है तो पूछने क्या बात है, सो रहा है आदमी यार। उसको उठा देते हैं उसके हाँ बाद। तो वही सारी बात है बिल्कुल। तो और बताइए हमारे दोनों के बारे में, आपस में बस। आप इनके मेरे बारे में आप क्या-क्या जानते हैं? भाई इनके बारे में कहना चाहूंगा, ये अच्छी अदाकारा है, काफी अच्छा काम करती है और बड़ी शिद्दत से करती है, बड़ी मेहनत से करती है, और बस ये कहूंगा। और वजन में काफी हल्की है और खाने पीने का और शौक खाने है? पीने के मामले में तो पूछो मत, के खाना आप देख के लग रहा होगा, खाना सिर्फ देख लेती है और पेट भर जाता है। नहीं खाने पीने की बेहतरीन शौकीन है। और मैकन मैडम के दौर में जमाने में इन्होंने एक बार मटन बनाया था, बड़ा प्यारा मटन था जिसमें लगभग ज्यादा मसाले भी नहीं थे लेकिन खा के मजा आ गया था। और इन्हें बैंगन का भाजा, शायद बैगन बैंगन भाजा। भाजा, वो भी बड़ा जबरदस्त था। इन्हें खाने का भी बड़ा शौक है और खिलाने का भी, और ये लाती थी तो बड़ा मजा आता था खाने में। और इनका जो डांस है वो भी बड़ा गजब का करते, तो इनके अंदर ही नहीं, मेरे अंदर ही नहीं, इनके अंदर भी काफी सारी आत्माएं बसी हुई है।
सर मे आई कम इन मैडम के साइड पे बैंगन भाजा बनाया करते थे ना, बैंगन भाजा मैं बनाती थी और हमारे टेबल में करीब 16-17 लोग बैठते थे है ना, अक्सर मे आई कम इन मैडम का जो हीरो था संदीप आनंद वो भी खाने का बड़ा शौकीन था, तो वो अक्सर मेरे रूम में स्पॉट दादा ये बड़े बड़े दो बैगन लेके चले आ रहे हैं, तो मैं कहती थी क्या करूँ संदीप सर ने भेजा है मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मैं समझ जाती थी कि बैगन भाजा आज खाने का मन है, तो मैं अपने डायरेक्टर के पास जाती थी कि मेरा भाई पहले शॉट ले लो ठीक लंच के एक, और जब तक आप दूसरों का शॉट लोगे तब तक मैं बैगन भाजा तैयार कर दूंगी लंच तक, करे ठीक है। तो फिर वो जब पहले मेरा शॉट लेके छोड़ देते थे और फिर बाकियों का जब वो क्लोज वगैरह ले रहे होते थे तब तक मेरा बैगन भाजा रेडी हो जाता था, लंच ब्रेक होता था और टेबल पे हम सब मिलकर बैगन भाजा खाते थे। हाँ, बाकी तो बस ये कि किरदार आते रहते हैं, जैसे अम्मा जी यहाँ पे अम्मा जी बोलते हैं, मैं आई कम इन मैडम में मेरी मम्मी बनी थी और अभी तो बस सिलसिला ये जारी रहेगा कॉमेडी का, और हम जब तक है हम बस इतना वादा करते हैं कि जब तक हम हैं और भगवान का आशीर्वाद बना रहे डेफिनेटली हम आपको हंसाते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे 100%, और बाकी शो में मिलते रहेंगे, बस किरदार बदलते रहेंगे। ये सोमा राठौड़ जी रहेंगे, मैं दिपेश भान, लेकिन जो हमारे किरदार है जो सीरियल के किरदार है नाटक के किरदार है वो बदलेंगे, और अलग अलग तरीकों में किसी दूसरे किरदार में होंगी, मैं दूसरे किरदार में होंगे, लेकिन एंटरटेन आपको करते रहेंगे। और अब लास्ट में हम थोड़ा सा डांस आपको इनका दिखाएंगे, ठीक है सर? कैसा करके मान लेगी सब कुछ भी करवा लेगी के? मान जाती के? ऐसा ना कर करा मम्मी। मेरे बेटे हैं यहाँ पे, अब बेटे को माँ का हुक्म मानना ही पड़ेगा है ना, तो एक डांस हो जाए आप, ठीक है ना? मैं से मिला देना साथी से